ऐसे ही सोशल मीडिया में गलती भी आप करता है उसका प्रोपेगेंडा भी आप गलत फैलाता है, कहीं ना कहीं गलत है। अगर आपको कंटेस्ट करना ही है, आप ये बता के आइए कि आपने सोसाइटी के लिए क्या किया है, आप ये बता के आइए कि आप स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए क्या किया, आप ये बताइए कि कल आप मेरा फ्यूचरिस्टिक विजन अरुणाचल प्रदेश को डेवलप करने के लिए क्या है। आप लाभ की बॉक्सिंग से आप यहाँ में डिसाइड करने के लिए नहीं आए। दिस इज एन इलेक्शन, दिस इज नॉट एन एमएमएम फाइट या कोई कुछ भी फाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। तो मेरा नाम तेची राजा है, एस्पायरिंग कैंडिडेट एजीएस प्रोटोकॉल, ऑफिशियल कैंडिडेट फ्रॉम लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट। तो आज का बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँ, आज का इंसिडेंट बोलने से आपका जो आज का इंसिडेंट ऐसे था, एग्जैक्टली हमको भी पता नहीं था कैसे हो गया कि क्या हो गया, क्योंकि इसमें ऐसे था हम फोन में बिजी रहता, तो फोन में बिजी रहता मेरा जो सपोर्टर जो मेरा पीछे में खड़ा कर, तो पूर्ण में बिजी हो के हम थोड़ा आगे थोड़ा जा रहा था, जाके हम ये किया है कि हम पूर्ण में थोड़ा बात कर रहा था, ऐसे मुर्गे देखा है तो मेरा और सपोर्टर को मार रहा है, तो हम क्या हो गया सोच के वापस जाके देखा तो मेरा ओपोनेंट जो मार रहा है, मेरा ओपोनेंट लोकम तशुक मार रहा है, उसके बाद उसका भाई लोकम अचुंग मार रहा है, उसका बाद लोकम तगेम मार रहा है, तो पीछे देखा है तो फिर एनरी भी आ गया, लोकम एनरी वो अभी अंशु प्रेजेंट अंशु आई फी आर। तो इसके लिए हम वही स्वरूप बोलेगा कि आज का इंसिडेंट ये बहुत अनफॉर्चुनेट था, ऐसे कभी नहीं होना है। ये आपसू एक इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म है, इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म का एक इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म हिसाब से आप गेम खेलना है, क्योंकि यहाँ में वॉर जोन बना रहा है। सच में ये वॉर जोन गलत है, कहीं ना कहीं हमको गलत दिखाई देता है, ये ऐसे नहीं होना है। तो इसके साथ हम वही बोलेगा कि आपसू जो एक इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म है, ये कोई फाइटिंग ग्राउंड नहीं है। तो इसमें अगर सच में अगर गेम नहीं करेगा, आप फाइटिंग ही करेगा बोलने से, चलो ठीक है, उसे उतना तक हम लोग भी रेडी है, क्योंकि वही है आज का इंसिडेंट था। एग्जैक्टली आज का इंसिडेंट वही था। तो अगर अब हमको विश्वास नहीं है तो ऑलरेडी तो इतना जो एस्पायरिंग कैंडिडेट था, जितना कोई लोग तो चला गया था, मैक्सिमम तो एस्पायरिंग कैंडिडेट था, तो ऑलरेडी टीम भी था आपका, चीफ इलेक्शन कमिटी टीम लोग भी था, अंदर में आरओ लोग था, तो उन सभी से भी आप लोग ले लीजिए। ये मेरा आज का इंसिडेंट यही है। तो इसके बाद वही है कि आज का इंसिडेंट को लेके मैं अपना तरफ से मेरा जो अभी मेरा सपोर्टर है उसको जितना वो लोग मारा है, तो दो तीन आदमी मिलके जो मारा है उसका लोकम तचुक भाई लोग और लोकम तचुक मारा है, तो अभी अब अंदर ट्रीटमेंट में है, तो उसका रिपोर्ट अभी आने वाला है, तो इसको लेके तो हम ऑलरेडी जो FIR दे दिया, तो FIR पुलिस स्टेशन ईटानगर में हम FIR दे दिया। हम उतना होप करते हैं, बिलीव करते हैं कि वो कानून अपना कार्रवाई करेगा, तो कानून का ऊपर ही हम होप करते हैं। तो इसके साथ वही एक लास्टली बोलेगा कि प्लीज़ आप लोग गेम खेलिए लेकिन फाइटिंग जोन मत बनाइए। तो वही है कि हम वही एक बोलना चाहता है कि आप लोग को जितने एज ए इंटेलेक्चुअल सच में जो अच्छा लीडर है, जो अच्छा लीडर को चुनना चाहिए, आपसू जैसा, आपसू जो एक रिप्रेजेंट करता है कि स्टेट के लिए, तो स्टेट के लिए जो काम करने वाला चाहिए, यहाँ में अपने आपसू का टेक लेके कोई कोई एंजॉय करने के लिए बोलता है, ये कहीं ना कहीं हमको गलत दिखाई देता है। इसलिए मेरा तरफ से वही है, कल को आप लोग जो आपसू चुनेगा एटलीस्ट तो अच्छा लीडर स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग ये चुनिए, हम वही लास्टली और रिक्वेस्ट करेगा। मेरा नाम तबादोनी और उसके बाद करेंटली हम ऑल लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का स्पोक पर्सन है, मीनवाइल तेची राजा का कैंपेनिंग चेयरमैन। हम आज का इंसिडेंट सुन के बहुत ही शौक में हैं, अभी तक हम शौक में हैं, और उसके बाद बहुत गलत हुआ है जो भी हुआ है। और उसके बाद जब ये हमारा कैंडिडेट लोग यहाँ पहुँचा, मैंने कहा आपने एक्शन क्या लिया, तो उन्होंने कहा कि ईटानगर पुलिस स्टेशन में FIR दिया है। तो मैं पुलिस वाला से भी दरख्वास्त करूंगा कि जल्द से जल्द इसका ऊपर एक्शन लिया जाए, जस्टिस को डिले ना करते हुए जितना जल्दी हो सके उसका ऊपर दिया जाए। और उसके बाद अभी मुझे सुनने में ये भी आ रहा है कि मारा उन्होंने, उसके बाद एलिगेशन हमारा टीम को लगा रहा है। सी यहाँ में आप ऐसे एलिगेशन लगा के सोशल मीडिया में किसी को आप ऐसे बरका नहीं सकता है। आप अगर प्रूफ के तौर पर जानना चाहता है तो आज नेपा बिल्डिंग जो कि आपसू ऑफिस ईटानगर में बहुत सारा लोग था, आप उसमें से कुछ लोग मिलेगा जो सच बोलने वाला होगा, उनसे जाके पूछिए किसने
शुरू किया, किसने क्या किया, किसने किसको मारा, जिस लड़का को मारा, वो लड़का तो इतना जेंटल लड़का है, इतना ओबीडियंट लड़का है, वो तो कभी ऐसे उसका हिस्ट्री में नहीं है, आप उसका रिकॉर्ड निकाल के देखिए, इतना सिंपल सा लड़का है, और ऐसे लड़का के ऊपर में आप मारता भी है प्लस एलिगेशन भी लगाता है, कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा गलत है। और उसके बाद खुद करने का बाद दूसरा को ऐसे एलिगेशन ना लगाने से देखिए। तो उसके बाद मैं फिर से कहना चाहूंगा, नॉट ओनली फॉर दिस एजेस प्रोटोकॉल, आज हमारे साथ ऐसे हादसा हो गया, इस होने का दौरान बहुत सारा स्टूडेंट्स तो बाहर में अपसुक एक ऐसे इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म देखता है, उन लोग यहाँ में पार्टिसिपेट करना चाहता है, लेकिन हम लोग लीडर लोग ही ऐसे करके दिखाएगा तो आज का डेट में कौन पार्टिसिपेट करेगा। सो इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि प्लीज आप लोग ये गलत अफवाह फैलाना छोड़ दीजिए, अगर आपने गलत किया है तो गलत किया है एक्सेप्ट कीजिए और अपने आप को पुलिस को सरेंडर कीजिए, और इन फर्दर आप प्लीज ये इलेक्शन को पीसफुल चलने दीजिए, ना कि इन्हें वायलेंस हुए, बिकॉज क्योंकि हमें हमारा ये मानना है, सभी का ये मानना है, स्पेशली जो आज का इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म जैसे कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का मानना है, NIT का मानना है, NERIST का मानना है, अरुणाचल यूनिवर्सिटी पासीघाट का मानना है कि दिस इज एन इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म, और यहाँ में वही लीडर चुन के आएगा जो अच्छा होगा। तो सभी आपका माध्यम से दर्शकों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सच एक ना एक दिन सामने आ जाता है, और अगर मैं झूठ बोल रहा होगा तो कल को आप पता चल जाएगा। इसलिए पोल्स प्रोपोगंडा में बिलीव मत कीजिए, और जो सही है उसमें ही आप जाके देखिए। मैं इसमें फिर दोबारा बोलना चाहूंगा कि ये आप खुद गलत काम करते हैं, उसके बाद उसका ऊपर में आप पल्स एलिगेशन लगाते हैं, वो बहुत ही गलत है। मैं फिर से दोहराऊंगा कि आज जब नॉमिनेशन फाइलिंग हो रहा था नेफा बिल्डिंग अपसु ऑफिस में, उसमें सब बहुत सारे लोग थे, और उसके बाद मैं ये भी जानता हूं कि उसमें से बहुत लोग निकल के आएगा जो कल का दिन में सच बोलने वाला। तो ऐसे ही सोशल मीडिया में गलती भी आप करता है, उसके बाद प्रोपोगेंडा भी आप गलत फैलाता है, कहीं ना कहीं गलत है। अगर आपको कंटेस्ट करना ही है, आप ये बता के आइए कि आपने सोसाइटी के लिए क्या किया है, आप ये बता के आइए कि आप स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए क्या किया, आप ये बताइए कि कल हम मेरा फ्यूचरिस्टिक विजन अरुणाचल प्रदेश को डेवलप करने के लिए क्या है। आप लाख की बॉक्सिंग से आप यहाँ में डिसाइड करने के लिए नहीं आए, दिस इज एन इलेक्शन, दिस इज नॉट एन MMA फाइट या कोई कुछ भी फाइट, ये यहाँ कोई UFC नहीं चल रहा है, यहाँ इलेक्शन चल रहा है, और इलेक्शन आप ऐसे ही जीत सकता है बेस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल वे। अगर आपको इनकेस अगर फाइटिंग वे से जीतता है बोलने से, देन यू आर नॉट फिट टू कंटेस्ट इन दिस अपसु इलेक्शन। मैं यही बोल के समाप्त करूंगा। थैंक यू।